विल आंसर द मास्टर ट्रेनर। आज हम क्लास 1 से 5 तक मैथ और साइंस के कुछ लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर में लेसन प्लान को डिस्कस किया कि लेसन प्लान के कंपोनेंट्स कौन से हैं, और फिर हमने एक लेक्चर में ये डिस्कस किया कि लेसन प्लान को बनाना किस तरह से है। क्लास 1 से 5 तक इंग्लिश के थे और कुछ और सब्जेक्ट्स के। आज हम लोग मैथ और साइंस को डिस्कस करने लगे हैं। तो इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज़ करें, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस उनको फौरी तौर पर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने लगे हैं मैथ में सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। क्लास 5 का ये लेसन प्लान बना हुआ है। सबसे पहले हमने इसी तरह कंपोनेंट्स लिखने हैं उसके, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ, और साथ आप पीरियड भी मेंशन करेंगे 30 मिनट्स हैं या 35 मिनट्स हैं। एसएल ओ के आर टू रिकोगनाइज सर्कल रेडियस एंड डायमीटर। बच्चा जो है ना इस लेसन के बाद इस काबिल हो सकेगा कि वो सर्कल को आइडेंटिफाई कर सके, रेडियस को और डायमीटर को। ओपनिंग में आप क्या करेंगे, हाउ मैनी साइड्स इन अ ट्राइंगल, बच्चे से पूछेंगे कि ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं। देर इज़ देर एनी शेप विच हैज़ नो साइड, येस इट इज़ ए सर्कल। और उसके बाद फिर आप अनाउंस करेंगे टूडे आवर टॉपिक इज सर्कल रेडियस एंड डायमीटर, और इसको आप बहुत तफसील से उसको डिस्कस करेंगे। फिर वी कैन ड्रा लाइन फ्राम वन पॉइंट ऑन द सर्कल टू अनदर पॉइंट थ्रू द सेंटर, यानी सेंटर में पेंसिल रखने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल करेंगे और उस लाइन को सारे को आप डायमीटर की डेफिनेशन में लेकर आएंगे। इसके बाद आप एक्टिविटी करवाएंगे। एक्टिविटी में आप होल क्लास को करवा सकते हैं, बच्चों को, तमाम बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में बैठा कर, और इंडिविजुअली भी एक्टिविटी करवा सकते हैं कि हर बच्चे को कहें कि अपनी बुक पर कोई सर्कल बनाएं जिसमें डायमीटर की निशानदेही की जाए। और उसके बाद कंक्लूजन होकर लास्ट पे आप बच्चों से सर्कल के और डायमीटर और रेडियस के बारे में असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद साइंस का है, हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है क्लास 1 का। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इस लेसन के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंस जो है उसको डिस्क्राइब कर सकेगा। सबसे पहले आप इसकी ओपनिंग करेंगे आइडेंटिफाइंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसके साथ आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर सकेंगे। ब्लैक बोर्ड पर मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लिखेंगे और बच्चों को कोशिश करेंगे बताने की, पूछने की बच्चों से कि इनमें से कौन सी जिंदा चीज़ें हैं और कौन सी बेजान चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आप टॉपिक की तरफ आएंगे, इंट्रोडक्शन टू न्यू मटीरियल। बच्चे को बताएंगे कि आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने लगे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ चीज़ें जानदार हैं और कुछ बेजान चीज़ें हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दो ग्रुप्स में ये डिवाइडेड हैं, उन दो ग्रुप्स को तरतीब देंगे और उसको डिफाइन करेंगे बच्चों के साथ, और एक्टिविटीज़ करवाएंगे उसमें। इसमें भी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करवाई जा सकती है और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी करवाई जा सकती है। बच्चों को नाम लिखने के लिए दे दें, ब्लैक बोर्ड पर बुला के उनसे पूछना शुरू कर दें इस तरह, और लास्ट पर आप क्लोजिंग कर लें कि बच्चों को दो हर बच्चे से दो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नाम पूछें ताकि पता चल सके कि बच्चे का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5 सेंसेस, क्लास 1 का है ये भी। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड वर्किंग ऑफ 5 सेंसेस। बच्चे हमारे जो 5 हिस्से हैं इनके बारे में समझ सकें और इनके काम के बारे में जान सकें। सबसे पहले ओपनिंग करेंगे, आप बच्चों से पूछेंगे हम सुनते किस तरह से हैं, हम खाते किस तरह से, हम टेस्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन देंगे न्यू मटेरियल के बारे में कि हमारे पास जितनी सेंसेस हैं उनको हम 5 सेंसेस बोलते हैं। ये सी देखने की है, हेयर सुनने की, टच छूने की, टेस्ट चखने की और स्मेल सूंघने की। उसके बाद उनको भी ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटी में आप डिवाइड करके बच्चों को काम बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, और लास्ट पे क्लोजिंग। अगला जी हमारा टॉपिक है 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, यानी बच्चा मल्टीप्लाई कर सके एक डिजिट को। उसमें स्टूडेंट विल बी एबल टू डू 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई कर सकेगा वो एक डिजिट को। क्लास 3 का लेवल का है।
इसमें आप बोर्ड यूज़ कर सकेंगे, बच्चों को समझाने के लिए बताएंगे कि हमने पहले जमा किया था, अब हम उस पर ज़रब का अमल करेंगे, तो बच्चा 3 ज़रब 6 या 2 ज़रब 2 करना सीख जाएगा इस टॉपिक पे। ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं इसको, सारी क्लास को 2 या 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और जो है क्वेश्चन उनको दे दें कि आप लोग ये क्वेश्चन करें और एक दूसरे के साथ कम्पीट करें कि किसके क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं, और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखवा दें उनसे, कहें कि अपने नोटबुक पर लिखें और उसके बाद उनका चेक कर लें, लास्ट में क्लोजिंग पे कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ लें। उसके बाद 2 डिजिट है, एडिशन है कि अब हमने 2 डिजिट की जो जमा है वो बच्चे को सिखानी है, उसका SLO है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डू 2 डिजिट एडिशन, के यहाँ पे बच्चा 2 डिजिट की एडिशन जो है ना वो सीख सके। और उसके बाद आप ओपनिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे नए मटेरियल का कि आज पहले हमने 1 जमा 1 इक्वल 2 पढ़ा था, अब हम 11 जमा 13 इक्वल 24 पढ़ेंगे, तो इस तरह करके बच्चों को आप इंट्रोडक्शन दें। और उसके बाद ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा लें इंडिविजुअल और क्लोजिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने टाइम पे डिपेंडेड होती हैं, अगर आपका पीरियड 40 से 45 मिनट्स पे डिपेंड करता है तो फिर तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर पीरियड 30 मिनट तक है, 25 से लेकर 30 मिनट या 35 मिनट, तो फिर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को शॉर्ट करना पड़ता है। शेप एंड वॉल्यूम है, क्लास 4 का स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द शेप एंड वॉल्यूम, ओपनिंग होगी इसकी भी, इसका भी फिर इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, और ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी और क्लोजिंग। इसी तरह हम लोग टाइम को, हम क्लास 2 का लेसन है टाइम, उसके बाद बच्चा इस काबिल हो सकेगा कि वो वक्त देखना सीख सके, तो उसके लिए भी पहले आप ओपनिंग करेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे टाइम के बारे में कि क्या टाइम हुआ है, और जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसमें वाइट बोर्ड चार्ट, ऑब्जेक्टिव्स, क्लॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर बच्चों को बताएं कि जो उसके हैंड्स हैं घड़ी की, जो सुइयां होती हैं उनको हैंड्स बोलते हैं, तो ये हैंड्स जो हैं वो किस जगह पे हो तो पूरा टाइम होता है या क्वार्टर होता है, हाफ होता है, इस तरह से बच्चों को समझाएंगे, और फिर उनकी ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करवा लें और एंड पे क्लोजिंग कर लें। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू जॉइंट, इंसानी जिसम में जितने जोड़ हैं उनके बारे में एक ब्रीफली लेसन प्लान बना लें, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ जॉइंट, के हमारे जोड़ों का जो फंक्शन है उसके बारे में स्टूडेंट समझने के काबिल हो सकेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकेंगे। इंट्रोडक्शन टू न्यू मटेरियल है कि नए मटेरियल के साथ आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे बच्चों को, ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे और इंडिविजुअल एक्टिविटी करवाएंगे। इवन एंड ऑड नंबर है, बच्चों को इवन एंड और ऑड नंबर में डिफरेंस है वो पता चल सकेगा, ओपनिंग करवाएंगे, बच्चों से पहले काउंटिंग सुन लें, फिर उनको बताएं कि इनमें इवन नंबर कौन सा और ऑड नंबर कौन सा है, और ये इंट्रोडक्शन टू न्यू मटेरियल में आएगा कि बच्चों को बताना इवन नंबर और ऑड नंबर। फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चों को 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और इस तरह से इवन और ऑड नंबर के लिहाज से डिवाइड कर लें बच्चों को, इससे बच्चों में थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, उनके रोल नंबर जिस तरह से लें कि जिनके इवन नंबर हैं वो एक ग्रुप में हो जाए, जिनके ऑड नंबर्स पे हैं वो एक ग्रुप में हो जाए। और इंडिविजुअल एक्सरसाइज करवा सकते हैं आप उनको। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन प्लान्स पर एक ब्रीफली लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से लेक्चर शुरू करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको लिंक से मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।